Alright, so welcome. Hi guys, my name is Farhan and you all are watching us on Nagpur today. इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है. सलोनी इनका नाम है. बाय प्रोफेशन सलोनी एक विकेट कीपर है, विदर्भ के लिए खेलती है, बैटर है और जिस तरीके से ऑन फील्ड एक विकेट कीपर बैट्समैन को स्टंप करता है वैसे ही सलोनी ने अपने घर आए चोर को स्टंप कर दिया. अगर सरल भाषा में कहे तो चारों खाने चिट कर दिए. अब क्या माजरा था, क्या हुआ और किस तरीके से सलोनी ने उस चोर के चारों खाने चिट किए ये तो हम उनके जुबान ही सुनना चाहेंगे. सलोनी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नागपुर टुडे और आपको नागपुर टुडे की पूरी टीम की ओर से आपके इस ब्रेव वर्क के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि कैसे क्या वो पूरा सीन क्रिएट हुआ और कैसे आपने फाइट की उस चोर के साथ. ओके, तो इट वॉज द नाइट ऑफ 22 फरवरी. हम लोग माई फैमिली हम लोग सब मेरे मामा के घर में डिनर करने गए थे. सिंस इट वॉज संडे नेक्स्ट डे तो वी टुक इट क्वाइट लीनिएंटली. हम लोग आराम से बैठ के डिनर किया, बातचीत किया तो उस दौरान हमको बहुत लेट हो गया. हम लोग अराउंड 1:30 AM हमारे घर पहुँचे. आई वॉज ड्राइविंग द कार तो मैंने मेरे घर के सामने कार पार्क की. मेरे पेरेंट्स कार से उतरे और माई फादर केम एंड ही टुक द कीज एंड उन्होंने पहले गेट मेन गेट का लॉक खोला. फिर उसके बाद वो अंदर गए. फिर उन्होंने जो मेन डोर है हमारे घर का उसका लॉक खोला. जब वो लॉक खोल रहे थे माई मदर वॉज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड माई फादर. तो मेरी मम्मा को ऐसा फील हुआ कि कोई तो भी है, शायद उसे आहट महसूस हुई शायद उनको कोई है. तो इमिजिएटली उन्होंने देखा आजू बाजू, तो बाजू में देखा उन्होंने तो उनको दिखा कि एक आदमी हमारा कंपाउंड वॉल चढ़ने की कोशिश कर रहा था. जैसे उन्होंने ये देखा उन्होंने मेरे पापा का नाम कॉल आउट किया कि अरे कोई है कोई है कोई है. मेरे फादर ने भी देखा अरे कौन है. दैट्स द वे दे रिएक्टेड. मीनवाइल मैं कार से मैं उतरी, मैंने पार्क किया कार में उतरी एंड आई वॉज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द गेट. घर के गेट की तरफ मैं मुड़ी और जैसी मैंने ये आवाज़ सुनी मेरी मम्मी की मैं पलटी. और जैसी मैंने पलटी पीछे में वो आदमी जंप किया नीचे टू एस्केप. तो द मोमेंट आई टर्न अराउंड ही जंप्ड एंड द मोमेंट ही जंप्ड आई पाउंस्ड अपॉन हिम. तो जैसे ही उसने जंप किया मैंने उसके ऊपर कूदा और बाजू में हमारे घर के थोड़ा कंस्ट्रक्शन चला था तो मलबा जो होता है वो वहाँ पे रखा हुआ था बहुत सारा. उसको लेके मैं मलबे के ऊपर गिरी और वहाँ पे फुल ऑन वन हाथापाई हुई हमारी. पहले मैं उसके ऊपर थी, आई वॉज ट्राइंग टू ग्रैब हिम बट नो, उसने रेजिस्ट किया मुझे. वो मेरे ऊपर आया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, देन मैंने लिटरली उसका गला पकड़ा. आई ग्रैब्ड हिज नेक, मैंने उसके दोनों पैर लॉक किए मेरे पैरों से. मीनवाइल मेरे फादर आए, उनको रजिस्टर ही नहीं हुआ हो क्या रहा है. माई पेरेंट्स कुडंट रजिस्टर हो क्या रहा है. उतने में मैंने नोटिस किया कि उसके हैंड्स फ्री है तो और नीचे मलबा पड़ा है तो वो कुछ भी ईंट उठा के मेरे सर पे मार सकता था. तो मैंने इमिजिएटली उसके हैंड्स लॉक किए, मैंने उसका गर्दन छोड़ी, मैंने उसके हैंड्स भी लॉक किए. पैर तो उसके ऑलरेडी लॉक थे तो मैंने बेसिकली उसका होल बॉडी लॉक किया. मीनवाइल मैंने बाकी कॉलोनी के लोगों को अलर्ट किया, मैंने उनको आई कॉल्ड आउट फॉर हेल्प. आई कॉल्ड आउट कि भाई हेल्प अस कॉल द पुलिस. तो ऑब्वियसली रात के 2 बज रहे थे, सब सो रहे थे. बाय द टाइम दे गॉट अप एंड दे केम टू नो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड एंड दे रजिस्टर्ड इट एंड दे केम टू हेल्प अस ऑन दैट स्पॉट. उतने में 10 मिनट आराम से चले गए. 10 मिनट मैंने उस आदमी को पकड़ के रखा जो मुझे बहुत रेजिस्ट कर रहा था, बट मैंने उसको पकड़ के रखा. फिर बाद में जब लोग आए तो मैंने उनको हैंड ओवर किया और फिर हमने पुलिस को बुलाया. एंड पुलिस तो पेट्रोलिंग करती है हर रात, देन पुलिस आई और उन्होंने फिर आग की कार्रवाई की. बिल्कुल सलोनी, आपने एक बहादुरी की मिसाल बना दी है, बताए आपको. और सलोनी से एक ही सवाल उनके दोस्तों से रिश्तेदारों से यही आ रहा है कि सलोनी कैसे कर लिया. I'm right. Yeah. और इनके पापा जो है मुस्कुराते कह रहे हैं कि मारी छोरी कुछ छोरों से कम है के. I'm right. Absolutely. Yes. So please, जाते जाते सभी लड़कियों को सभी महिलाओं को बता दो कि किस तरीके से अगली बार से कुछ चुनौती आए तो लड़ना कैसे, सिर्फ चोर से नहीं आने वाली जिंदगी हर परेशानियों से. जी बिल्कुल.
मुझे ऐसा लगता है कि सिंस आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन आई हैव दिस एटीट्यूड एंड अप्रोच कि गिर गए तो क्या होगा, गिर गए तो लगेगा ना, लगेगा तो क्या होगा. बट मेनी अदर्स आर नॉट लाइक दिस, दे आर अफ्रेड टू फॉल, दे आर अफ्रेड टू गेट हर्ट. स्पेशली फॉर गर्ल्स आई वुड लाइक टू टेल देम कि यू नो इट्स नॉट जस्ट स्टडीज हु डेवलप्स योर पर्सनैलिटी, इट्स द ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल योर एस्पेक्ट्स काउंट इन योर पर्सनैलिटी. सो आई फील कि especially all the girls to get into some extracurricular activities which is related to physical activity, like for example any NCC or any sport or maybe you know take up a game or take up dancing. In fact, take something which will help you grow physically, which will make you stronger physically. Go to gym, work out, be prepared. Hamara aisa sochna ki ऐसी कोई परिस्थिति हम पे आ ही नहीं सकती, या हमारे पेरेंट्स तो हमेशा रहेंगे, मेरे पापा मेरा भाई हमेशा रहेगा, ये सोचना गलत है. ये सोचना गलत है कि किसी के साथ ऐसा होगा नहीं या मेरे साथ ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ये छोड़ दीजिए, आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और अगर हो रहा है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू डील विथ इट. तो आपका अप्रोच उस तरीके का बनाने के लिए गेट इन टू सम physical activities, some NCC, sport, any game you like, get into that game and build yourself up. Truly said, no one knows ki kab kya hone wala hai. So guys, be prepared and apna bahut sara pyar, bahut sara aashirwad Saloni ko do unke is career ke liye. Nagpur today aur hum sab to aapko bahut sara shubhkamnaen dete hi hain. So guys, जाते जाते फरहान आपसे बस यही कहेगा कि stay safe and be alert. Thank you so much for watching this video.